जैसे इसके अंदर हमने गोबर की खाद पूरा सड़े हुआ गोबर की खाद 10 टन प्रति हेक्टर हमने बुआई की 20 या 30 दिन के पहले हमने इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि सोयाबीन एक तेल की क्रॉप है, इसकी फॉस्फरस की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा रहता है, जैसे 60 kg प्रति हेक्टर। सो जो जैविक खाद हमने डालते हैं उसके अंतर्गत हमने जो पूरा फॉस्फरस की रिक्वायरमेंट मीट आउट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमने जो इसके अंदर जो फॉस्फरस की रिक्वायरमेंट है उसको हमने एडिशनली रॉक फॉस्फेट 375 kg प्रति हेक्टर डाल के मीट आउट कर जाते हैं। तो इससे अलावा हमने जैविक तरीके से जो बीजोपचार भी हमने करते हैं, जैसे कि जो बायोकंट्रोल फंगिसाइड्स है, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडे है, इसको हमने 5 से 10 ग्राम प्रति केजी बीज से उपचार करके बुआई के पहले फिर बाद में वो देते हैं। इससे अलावा बायोफर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध है, जैसे कि राइजोबियम है, फॉस्फरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है और जिंक सॉल्युबलाइजर्स है और भी एम फंजाई है, तो इसको हमने 5 से 10 ग्राम प्रति केजी बीज से उपचार करके बुआई के पहले फिर बाद में हमने बुआई किया गया है।